असल में सिटी में हम जाके वहाँ इनके टेस्ट करवाए ना टेस्ट, तो दरअसल हमें शाम के टाइम जाना पड़ता है फिर सिटी के बीच में, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हमें नहीं मिलती, फिर ट्रांसपोर्ट गांव से विलेज से नहीं मिलती क्योंकि 20-25 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से दूर है, तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, फिर स्पेशल टैक्सी करवा के जाना पड़ता है। जब स्पेशल टैक्सी करवा के जाते हैं तो आगे से वो जो टैक्सी वाला होता है वहाँ इंतज़ार नहीं करता, कहता है जी मैंने तो वापस जाना है, मेरा तो काम है मेरे, क्योंकि हमारे सामने बाबा का सवारियों के फ़ोन भी उन्हें आ रहे होते हैं कि जी हमें चाहिए अपना हमारा कोई पेशेंट है या जो भी काम उनका होता है, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से काम का बताना होता है। फुर्तर ये होती है कि जब शहर सिटी जाए तो वहाँ टेस्ट वगैरह तो हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर भी हमें इंतज़ार करवाते हैं जी, डॉक्टर साहब पहुँचे नहीं हैं, जब पहुँचे हैं तो जनाब अपने नंबर का इंतज़ार करें, ठीक है जी नंबर जो चल रहा है उसके मुताबिक आपने चलना है, तो सूरत में फिर डॉक्टर का इंतज़ार करना फिर हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, रात हो जाती है, फिर वापसी की ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, यानी कि स्पेशल टैक्सी करवा के जाना, फिर आना उस टैक्सी वाले को वहाँ इंतज़ार करवाना, उसको किराया देना, फिर वो जो टाइम वहाँ पर अपना लगाता है उसके कहता है मुझे पैसे दो भाई, तो हम गरीब आदमी अफोर्ड करना मुश्किल होता है। दुआ करें अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती शिफा दे, दवाई तो ले रहे हैं, रात को भी इसकी एक ट्रिप लगी है, दवाई ले ही थी, जो मकामी यहाँ डॉक्टर जो उसकी समझ में आता है वो दवाई देते हैं, अल्लाह ने शिफा देनी है, और जो हमें समझ आती है ये बताती है हमें दवाई बीमारी अपनी वो हम डॉक्टर साहब को बताते हैं, लेकिन यानी कि सच्ची बात तो ये है कि शायद हम उस तक ना पहुँच सकें, ठीक है उस तक ना पहुँच सकें, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह बेहतरता करे और अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती शिफा दे, और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे लिए आप लोग दुआ करें, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए।